हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ जैन। आज हम एक बहुत इजी से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, सॉर्ट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, एन की वैल्यू जो है वो 10,000 तक है, 1 से लेकर 10,000 तक, और एरे के हर एलिमेंट की वैल्यू 10 की पावर 10 तक है। सो ये एक ईजी प्रॉब्लम है। मेरे को क्या करना है, मैं एक एन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उस एन को इनपुट करा लेते हैं। अब मुझे लॉन्ग लॉन्ग टाइप की एक एरे डिक्लेयर करनी है, क्योंकि 10 टू पावर 10 तक है तो इंटीजर में तो स्टोर होगा नहीं। तो मुझे एक ए एरे डिक्लेयर करनी है एन साइज की। इस एरे के सारे एलिमेंट्स को इनपुट करा लेते हैं। i <n> i++ seen ai। मुझे कुछ सॉर्टिंग करनी है और फिर मैं इन एलिमेंट्स को प्रिंट करा दूंगा। अब इजी काम क्या है कि हमें सॉर्टिंग खुद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन डिफाइंड है C++ में, जिसकी हेल्प से मैं एक सिंगल लाइन से मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो मेरे फंक्शन का नाम है सॉर्ट। ये क्या ले रहा है? ये मेरी एरे का स्टार्टिंग एड्रेस ले रहा है, जो कि ए है। ये एरे का एंडिंग एड्रेस ले रहा है, विच इज़ a+n, लास्ट एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, एंडिंग एड्रेस। सो दैट इज़ a+n। और जस्ट ये एलिमेंट, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मेरी एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो इसको रन करके देखते हैं। ये मेरी इनपुट फाइल है, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है। सो मेरे जो इनपुट के नंबर्स हैं, गिट 10 इज़ एरे साइज एंड दीज आर 10 नंबर्स, और ये नंबर सॉर्ट होके आ गए हैं यहाँ पर। सो 989678। सो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि मैंने कहा कि मेरी एलिमेंट्स का रेंज जो अब तक 10 की पावर 10 तक था, अब मैंने उसको 10 की पावर 100 तक कर लिया है। अब मेरे नंबर्स 10 की पावर 100 तक जा सकते हैं। सो नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में नंबर्स इंटीजर में तो स्टोर हो नहीं पाएंगे, ना ही लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर हो पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग की रेंज भी 10 की पावर 18 तक है। सो इतने बड़े नंबर्स को मैं लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर नहीं सकता, तो मैं कैसे स्टोर करूँ उसको? डबल में भी नहीं हो सकता कि मैं इसको फ्लोटिंग नंबर्स में कन्वर्ट कर लूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनपुट को स्ट्रिंग के फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता लग गया मुझे लॉन्ग लॉन्ग के फॉर्म में तो काम हो नहीं रहा है। तो मैंने अपने इनपुट को स्ट्रिंग के फॉर्म में ले लिया और सेम काम करा, सॉर्ट भी कर लिया। स्ट्रिंग के अंदर भी कंपेरिजन होता है, देखते हैं रन करके ये क्या करता है। सो मैं इसको रन करता हूँ। कोई एरर नहीं आया, रन हो गया, पर इसने सॉर्टिंग कुछ अजीब तरीके से करी है। ओके, सो जिस तरीके से इसने स्ट्रिंग को हमारी सॉर्ट किया है, उस चीज़ को हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। लाइक डिक्शनरी में जैसे सॉर्ट होता है कि पहले इसने 1 से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स को लिख दिया, फिर 2 से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स को, 3 वाली कोई है नहीं, फिर 4 वाली, 5 वाली भी नहीं है, तो कोई 6 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग, फिर 7 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग, फिर 8 से स्टार्ट होने वाली, फिर 9 से होने वाली। और जैसे जिनके फर्स्ट करेक्टर सेम थे, उसको उसने सेकंड करेक्टर के साथ सॉर्ट किया हुआ है। सो इसने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है, पर मैं तो चाहता हूँ कि ये सॉर्टिंग नंबर की तरह परफॉर्म हो। सो ये दिक्कत है, मैं उसको इंटीजर्स की तरह स्टोर कर नहीं सकता, और स्ट्रिंग की तरह स्टोर करने में ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तरीके से सॉर्ट फंक्शन को बताना पड़ेगा कि उसको स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग को पहले रखना है, कौन सी स्ट्रिंग को बाद में रखना है। एक तरीके से जो लेस देन का साइन होता है, वो मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रिंग किस स्ट्रिंग से छोटी है। तो लकीली हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास सॉर्ट में एक तीसरी आर्गुमेंट भी होती है, जिसको हम कहते हैं कंपेयर। ये कंपेयर जो है एक कंपेयर जो है वो एक फंक्शन है, बूलियन फंक्शन। जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी। अब मैं इसको खुद डिफाइन करने वाला हूँ। अब एक कंपेयर फंक्शन से क्या होगा, मैं ए और बी के बीच में कंपैरिजन बता दूंगा कि ए स्ट्रिंग को पहले आना चाहिए या बी स्ट्रिंग को पहले आना चाहिए। अगर ए को बी से पहले आना चाहिए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। लाइक मैंने अगर ऐसे लिख दिया रिटर्न ए लेस देन बी, ए लेस देन बी इज़ अ कंपैरिजन स्टेटमेंट। तो अगर a लेस देन बी ट्रू हुआ, तो
तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मल जैसे अभी सॉर्ट कर रहा है वैसे ही सॉर्ट कर देगा। बिल्कुल सेम आंसर आया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने कंपेयर फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करूँगा कि ये सॉर्टिंग को नंबर्स की तरह करने लग जाए। तो अगर मुझे दो नंबर्स को कंपेयर करने हैं तो मैं उसे कैसे कंपेयर करूँगा? पहले मैं देखूँगा कि नंबर्स की लेंथ क्या है। जिसकी लेंथ छोटी है वो नंबर छोटा है, और जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो नंबर बड़ा है। और अगर कोई दो नंबर्स है जिनकी लेंथ सेम है तो उनका ऑर्डर जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है वही ऑर्डर में होना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे कंपेयर फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। कंपेयर में अगर ए की लेंथ जो है वो सेम है बी की लेंथ से, उस केस में तो जो सॉर्टिंग थी वही सॉर्टिंग उसको करनी है, रिटर्न ए लेस देन बी। और अगर इन दोनों की लेंथ अनइक्वल है तो जिसकी लेंथ छोटी है वो पहले आना चाहिए। तो अगर एक की लेंथ जो है वो छोटी है, ए डॉट लेंथ जो है वो बी डॉट तो जो, अगर ए की लेंथ बी की लेंथ से छोटी है तो ए को पहले आना चाहिए, तो तब वो उस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब एक बार इस कंपेयर फंक्शन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि मैंने बताया ये ट्रू उस केस में रिटर्न करेगा जब ए जो है वो एक छोटा नंबर होगा बी से। तो वो कैसे किया, अगर दोनों नंबर्स की लेंथ बिल्कुल सेम है तो जो लेक्सिकल ऑर्डर होगा वही हमारा ट्रू ऑर्डर है, लेक्सिकोग्राफिकल जो ऑर्डर होगा। और अगर दोनों की लेंथ अनइक्वल है तो जिसकी लेंथ छोटी है वो छोटा नंबर है, लाइक 9 जो है वो छोटा नंबर है दिस 2234 से, क्योंकि 9 की लेंथ छोटी है। बट 2234 और 2935 में 2234 नंबर छोटा है, जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है उसी ऑर्डर में। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा सो इट वर्क परफेक्टली फाइन, उसने वैसे ही सॉर्ट कर दिया जैसे मैं इसे सॉर्ट करवाना चाहता था। तो यहाँ पे मेन काम जो था ये इस सॉर्टिंग फंक्शन का थर्ड आर्ग्यूमेंट था। इसके थ्रू मैंने क्या किया, जो मेरी एरे चाहे किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर की हो मैं उस स्ट्रक्चर के अंदर उनका कंपैरिजन डिफाइन कर दूंगा कि वो कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं। और अगर कंपैरिजन डिफाइन हो गया तो मैं उसमें सॉर्टिंग फंक्शन को अप्लाई कर सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।